कौन कहता है कि मैं गरीबों की आवाज उठाता हूँ और गरीबों दलितों के लिए काम करता हूँ। देखिए पूरा किसान से पानी से जमराव पड़ा हुआ है, लेकिन समस्या दिखाने के लिए कोई नहीं आता है और नहीं कहते नगर निगम के क्या विकास हो रहा है। ये देखिए पूरे पांच की और नाला के पानी रोड पे दिख रही है, आती है देख कर चली जाती है, आती है देख के चली जाती है, फिर जाओ सनम, जाओ सनम, जाओ सनम। पानी नहीं है यहाँ पे, पोल है, ये पोल ये साल भर से पोल खराब हो गया है, पानी की वजह से इसमें करंट आ रहा है, सबका अर्थिन है, करंट आ रहा है, सबका करंट लगता है इसमें, आपका इतना पानी कमर भर पानी है, उसमें इनका बच्ची डूब कर मर गई 2 महीना पहले, चलते बीमारी खतरब होता है, कौन और पाकी फुलवारी के विकास हम दिखाने चल रहे हैं नगर निगम का, और नगर निगम के क्या विकास हो रहा है। ये देखिए पूरे पांच की और नाला के पानी रोड पर चल रहा है और इनके दरवाजे के जस्ट बगल में पानी ही पानी है और यहाँ के लोगों की कितना ज्यादा समस्या होती है वो दिखाएंगे। और नगर निगम के सिर्फ बेतिया नगर निगम का विकास सिर्फ पेपर पर होता है, धरातल पर नहीं होता है। अगर धरातल पर होगा तो इन लोगों की समस्या इतना नहीं होगी। यहाँ पे आबादी लगभग बहुत ज्यादा है लेकिन यहाँ के लोगों की आने जाने की समस्या भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं, यहाँ पर इतना ज्यादा बदबू दे रहा है कि मेरे रिपोर्टिंग करने में भी ज्यादा समस्या हो रही है। तो मैं तो एक दिन के लिए आया हूँ, मतलब एक घंटे के लिए आया हूँ, तो मुझे इतना परेशानी हो रही है। ये लोग तो रोज रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं, तो समझिए उन लोगों की कितना परेशानी होती है। लेकिन यहाँ के लोगों के निवास जितने लोग लोग हैं उनसे पूछते हैं, ये नाला बह रहा है लेकिन चाचा यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा चाचा इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? रहमतुल्ला कुरैशी। अच्छा ये बताइए समस्या कितना दिन से है? बहुत 8-9 महीना से हुआ। अच्छा 8-9 महीना से समस्या है। कितनी बार हम लोग प्रशासन के लिए सब कुछ किए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इसी बीच पर हमारे बच्चों को हो गया तबीयत खराब, उसको लेकर हम रात 11-12 बजे रात को नखलऊ भागे हैं। हम लोग का एकदम हालत खराब है, हम गरीब आदमी, बताइए हम लोग क्या करेंगे? कौन कहता है कि मैं गरीबों की आवाज उठाता हूँ और गरीबों दलितों के लिए काम करता हूँ? देखिए पूरा किसान से पानी से जमराव पड़ा हुआ है, लेकिन समस्या दिखाने के लिए कोई नहीं आता है और नहीं कोई देखने के लिए आता है। अच्छा गरिमा देवी आती कि नहीं? आती है देख कर चली जाती है, आती है देख के चली जाती है, फिर जाओ सनम, जाओ सनम, जाओ सनम, भूल जाती है, भूल जाती है, भूल जाती है, फिर क्या होता है हम नहीं देखते। हम लोग भूभूत रहे हैं, हम लोग का बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है। बहुत हालत है कि गरिमा देवी बहुत विकास कर रही है, क्या करेंगी? कुछ नहीं करेंगी, अपना पॉकेट भर रही है लोग, अपना अपना पैकेट भर रही है लोग, पैकेट भर रही है, पैकेट भर रहे हैं, और क्या करेंगे गरीबों के? वोट देले बनी की ना देले बनी? केकरा के? मेयर में, मेयर में केकरा के? गरिमा सिकरिया, गरिमा सिकरिया के, का है एक खातिर देले बनी की हम पानी में रही ना? बदलने के लिए दिए हैं कि हमारा नाला सुविधा रहे, रोड अच्छा रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे नाली के पानी से, बीमार पड़ जा रहा है, इन्फेक्शन हो जा रहा है, 10 बरस का बच्चा रात को लेकर भागे हैं निकलो, उसका देह हाथ सब फूल गया है। सबसे ज्यादा तो दिक्कत होगी बच्चों का, क्योंकि बहुत तुरंत इन्फेक्शन पड़ जा रहा है और मैं थोड़ा देर आया तो मेरे पैर खजुला है, तो समझिए इन लोगों की कितना ज्यादा समस्या होगी। क्या नाम है जरा? पप्पू, पप्पू खान। पप्पू जी ये समस्या से आप क्या? लड़की 2 बरस की पानी में, नाला के पानी में गिर के मर गई। 2 साल की? 2 साल की नाले के पानी से। कब किसने डूब के मर गई? अभी 2 महीना हुआ, 2-3 महीना हुआ। वाह वाह नगर निगम, विकास करने वाले लोग, आपको चरण छू के मैं स्पर्श करता हूँ कि नाला और पानी से इनका 2 बच्चे की डेथ हो गया है और 2 साल की थी वो। क्या कहूँ और ना कहूँ नगर निगम बेतिया के बारे में? मैं कह दूँ तो बुरा लग जाएगा, ना कहूँ तो अभी ऐसे ही चलेगा। एक बच्चा सीरियस में है, पीला पीला पड़ जा रहा है, तो समझिए यहाँ कितना ज्यादा लोगों की तकलीफ हो रही है। यहाँ पे आइए, ये देखिए इतना लग रहा है कि देखिए कितना ज्यादा पानी है। देखिए मैं जितना चलूंगा और देखिए पूरा ये आप हाँ हाँ जी जी बता। आप देखिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं, सूखा में खड़े हैं ना पानी में खड़े हैं? आप एकदम सूखा में का, केवल नाला का पानी है, ये बरसात का पानी नहीं है। यहाँ पे पोल है, ये पोल ये साल भर से पोल खराब हो गया है, पानी की वजह से इसमें करंट आ रहा है, सबका अर्थिन है, करंट आ रहा है, सबको करंट मार रहा है पानी लगने की वजह से। हम लोग सर देखिए जब इधर से भी पानी बरसता है तो इधर से भी उधर से भी पूरा आता है, घर में तक घुस जाता, इतना पानी चढ़ जाता है दरवाजे पर, आंगन घर में भी घुस जाता है।
इनका बच्ची दो महीना पहले इधर चलिए, इधर चलिए सर देख लीजिए। अब भाई मतलब ऐसे कोई गली नहीं है जिस गली में पानी और नाला का पानी ना हो। देखिए अब क्या जाएंगे इधर, क्या दिखाएंगे ये सारा। इधर से आइए, यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे दिखाइए। दो महीना पहले डेढ़ साल की बच्ची इनका मर गई सर उसमें डूब करके। सामने घर है देखिए, पूरा पानी लगा हुआ है, इसे एक गड्ढा है, इसमें आपका इतना पानी कमर भर पानी है, उसमें इनका बच्ची डूब कर मर गई दो महीना पहले, डेढ़ साल की बच्ची। क्या इसका कोई मुखिया के पास जाइए, वहाँ जाइए, कुछ कोई नहीं कुछ कर रहा है। और ये नगर निगम से जो आई थी गरिमा शिकारी, वो भी आई थी प्रशासन के साथ में, दो तीन बार आई, उनसे कहा गया कि मैडम हम लोग के लिए कोई इसका समाधान निकालिए, तो बोल रहे हैं कि हम क्या करें, आप लोग अपना वार्ड पार्षद से कहिए, वार्ड पार्षद से कहिए, वोट लेने के लिए पानी में लोग हाथ जोड़ कर आते हैं वोट मांगने, हम लोग वोट देकर उनको जिताए कि हम लोग के लिए मतलब ये जो हम लोग जो परेशानी में इसको दूर कर दें। हम लोग का कहना यही है, इस रोड को ऊंचा करके नाला ऊंचा कर दें, मेन जो नाला है। गरिमा देवी आई थी और बोल के गई कि अपने वार्ड से पूछिए, वार्ड पार्षद से कहिए, हम पार्षद से आप लोग पूछे थे क्या बोले। वार्ड पार्षद कह रहे हैं कि अभी तो आज पास हो गया है, कल पास बन जाएगा, दो महीना में, एक महीना में, दस दिन में बनेगा, कुछ नहीं। हम लोग सर छह महीने से, दो साल से जब बारिश होता है इस तरह, अभी छह महीने से रेगुलर हम लोग पानी में है। हम लोग का पर्व चीज कुछ नहीं मना पाते सही से, बारिश की वजह से पानी, गंदा पानी की वजह से सर गाड़ी लेके भी नहीं आदमी निकल पा रहा, कोई जा नहीं, पूरा पैर सड़सड़ गया है सर पानी में आने जाने, नहीं के। जी? पानी के चलते उनके बीमारी लगातार होता है, कौन सा होता है पानी के चलते। देखिए चाची के मतलब मजबूर बानी रोवे के है की कि यहाँ के जाए के के रास्ता नहीं के पैसा नहीं के रोत कितना का को ले आई दवाई की ले लेने के पड़ल जाते। क्या कहे हम बेतिया नगर निगम के, अगर पूरा खोल खोल के बोले तो उनको बुरा लग जाएगा। और जब विकास की बात आती है तो अपने पॉकेट भरते हैं लोग, बाकी इस उधर भी चल के थोड़ा देख लीजिए, देख लेनी हम लोग गड्ढा भी देख लीजिए पानी कितना। वो जो नाला है जो बड़ा वाला नाला है इससे भी नीच हो गया है, वो नाला को इतना ऊंचा करके समस्या का हम समझाता नहीं। बाकी आप जिधर जाइएगा वहां तक वही है पूरा, देखिए पूरा बस्ती है पानी है, पूरा उधर है पूरा पूरा बस्ती, हाँ पूरा बस्ती पानी बा, पूरा नहर घिचाई ना देख लो ना पूरा यहाँ चुहा तक पानी बा, कोई लड़का निकलो देखे ना इन्फेक्शन होता, कोनो लड़का पढ़े लेके जा। अब आइए इनका अपने आने जाने के लिए बोरी में भर के रखे हुए कि बच्चे आराम से हिल जाएंगे, माने ये लोग कहाँ कहाँ बचेंगे जहाँ कदम कदम पे गंदा पानी है और नाला के पानी भरा हुआ है। बाकी देख सकते हैं, हाँ हाँ 10 मिनट के लिए हम लोग गौर खोजवा रहा है, लेकिन आप लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं देखिए। तो भैया नगर निगम विकास के बारे में क्या कहें, क्या कहें, गिज रहे लो नाली, नाली गिज रहे लो, इतना बढ़िया चमचमाता है रोड पे आप पानी में चल रहा है, इसके बारे में बताइए क्या बात है। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, अब देख तो रही रहे कितना पानी लगा है, क्या स्थिति है नाला का, रोड का, सब वही हाल है लगभग। देखिए मरा जिधर बारे वाह, मतलब जिधर जाइएगा उधर उतना ही समस्या है, उतना ही उधर ये सब लोग अपना अपना दरवाजे से बाहर आने जाने के लिए राबिस वगैरह भर रहे हैं लोग, फिर भी बारिश होता है तो इसके ऊपर से ठेना को ऊपर से पानी चलता है, ये भरने से कोई समाधान नहीं है इसका। नीचे आई चाची, नीचे आई, लेकिन वो का बड़ा समस्या बा, ऊपर से चिल्लाते नहीं बताओ तनी। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा मतलब इतना ज्यादा बदबू दे रहा है कि आप लोग रहते कैसे। बहुत हम लोग बहुत मजबूरी से हम लोग खाना हराम हो रहा है, खाना बना हुआ खाना नहीं रुचि हो रहा है ये पानी गंदगी की वजह से। उधर चलिए उधर भी देख लीजिए बड़ा वाला नाला भी देख। हाँ भाई साहब रहुए पे ध्यान बा, बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं बड़े, रहुए तो ध्यान पे, आज हम नाला में नाली में उतरल वाली। कब चाचा बेतिया नगर निगम विकास होता,
एकरे बारे में का कहे एकरा कहां विकास कुछ हो रहल बा इतना बढ़िया विकास भइल बा अब कितना इतना इतना नरक में हमनी की जिंदगी गुजरता अच्छा नगर निगम में स्वस्थ बा कि सुंदर बा सुंदर नहीं के एकदम बेकार बा बेकार बा एकदम बेकार बा क्या कहते हैं इतना बढ़िया से पानी वानी हिल के आवा कुछ ना ठेन भर पानी आदमी हिलता हमने के नरक में जिंदगी गुजरता घर घर के बीमार पड़ते जा अब बच्चे स्कूल नहीं गए जा भींग जाता उसे गिर जाता सो में बहुत बुरा था सब हमने के देखिए मैंने घर घर चल के सबसे पूछा और सभी लोगों की यही समस्या है बड़ा नाला यही है देख सकते हैं अभी उछल के बह रहा है लग रहा है कि नहर बह रहा है देख सकते हैं वही है बाकी उधर जाने पे कहीं क्या पता है गिर जाए क्या होगा लेकिन इस बात से आप समझ सकते हैं देख सकते हैं पूरा नाला बह रहा है पूरा पाकी से ये लोग घिरे हुए हैं बाकी नगर निगम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और इस कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।